हेलो भाई, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैर हिलाने की बीमारी, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स है। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि वो जब रात को बेड पे लेटते हैं ना, तो लेटने के बाद में उनको नींद तो आती रहती है, मगर नींद आते आते ऐसा उनको लगता है कि पैर में एक अलग ही सेंसेशन आता है। ऐसा लगता है कुछ तो भी घूम रहा है, मूव हो रहा है, हिल रहा है पैर में। और फिर वो पैर में हिल रहा है ऐसा सेंसेशन होने के बाद में उनको जाग आ जाती है या नींद नहीं लगती पूरी, और फिर उनको ऐसा लगता है कि उसने पैर हिलाना चाहिए, पैर को झटका मारना चाहिए। फिर पैर थोड़ा ऐसा हिला दिया इधर से उधर, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर वो रोक देगा पैर। फिर थोड़ी देर के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में, फिर ऐसा सेंसेशन पैर में आ जाएगा, दोनों पैर में आता है। फिर उसको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ तो भी झटका मारना चाहिए, और पैर ऐसा हिला दिया, झटका मार दिया, तो उसको ठीक लगता है। इसको बोलते रेस्टलेस लेग, मतलब बेचैन पाँव। इसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि फिर ये ऐसा कंटिन्यूस चलने से नींद नहीं आती। बहुत सारा पैर एक सर के हिला रहे, एक सर के पैर हिला रहे, नींद नहीं आती, रात देरी तक नींद ही नहीं आ रही। और फिर रात को कभी तभी बहुत लेट नींद आने के बाद में होता क्या, सुबह जल्दी उठना है तो वो उठना ही पड़ता है। फिर दिन में आलस, दिन में फिर अनिद्रा का एहसास, मतलब ऐसा लगता है कि नींद लेना चाहिए करके, और जो भी अनिद्रा के लक्षण है वो दिन में दिखाई देते हैं। उसका मतलब अटेंशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, चिड़चिड़ापन, ये सब दिन में दिखाई देगा। और रात में फिर वही है, सोने के समय फिर पैर हिलाना। ये इनको दिन में भी कभी कभी होता है। दिन में जैसा ऐसा लगता है उनको कि सोना चाहिए, उस समय समझो कुर्सी पे बैठे या लेटे हैं, तो दिन में भी होता है और उनको लगता है कि पैर में नहीं हिलाना चाहिए और दोनों पैर हिलाना चाहिए। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण अभी कुछ मालूम नहीं। इसको बोलते रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। डोपामिन संप्रेरक जो ब्रेन में है उससे ज़्यादा होने के कारण ये हो सकता है, ऐसा बोला जाता है, नक्की मालूम नहीं। फिर एक सीरम फेरिटिन जो है उसकी मात्रा दिन में, मतलब सीरम फेरिटिन जो है उसकी मात्रा ब्लड में कम होने के कारण ये होता है, ऐसा भी माना गया है, पक्का नहीं है। और फिर यह जो है, यह एक हफ्ते में 3 बार कम से कम होना चाहिए और लगातार 3 महीने तक ये होना चाहिए, तो फिर उसको बोलते हैं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। अब इसमें अनेक दवाइयाँ का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसमें फ़र्क होता नहीं है। सिर्फ नींद की दवाई लिया तो फट से नींद आ जाती है, फिर नींद की दवाई लिया तो फिर नींद की दवाई की आदत हो जाएगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब इसका इलाज क्या है, अभी तो इसका इलाज नहीं है। ऐसा एक कहा गया है, हाइपोथेसिस है कि विटामिन ई के कारण ऐसा होता है, कोई बोलता है विटामिन के कारण होता है, कोई बोलता है विटामिन डी के कारण होता है कमी के कारण, मतलब विटामिन ई, के, डी या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कमी के कारण ऐसा होता है। एक जो घरेलू उपचार है इसका, वो है कि दोनों पैर ऐसे, जो इलास्टिक का जो ये क्रेप बैंडेज आता है ना, तो वो क्रेप बैंडेज से ऐसा टाइट उसको लपेटो, और टाइट लपेट दिया हो पैर को पूरा ऊपर से नीचे तक, और ऐसा टाइट फिटिंग कर दिया उसका पैर का, तो उसमें अच्छा लगता है, उसको उसमें काफ़ी रिलीफ आ जाता है। तो सोने के समय एक तो वो कर सकते हैं बिना दवाई का इलाज, या फिर कोई विटामिन्स लेके देखना, अमाइनो एसिड से वो देखे, मतलब वो लेके देखो, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो फिर नींद की दवाइयाँ कुछ दिन तक ले सकते हैं ताकि नींद जल्दी आ जाएंगी। इसे नींद नहीं आती, फिर दूसरे दिन जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम डालने के लिए फिर नींद आना जरूरी है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको भी है, वो घूमते रहते, आराम नहीं मिलता, डॉक्टरों को विजिट करते रहते हैं, थक जाते हैं। इसलिए आप ये वीडियो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो ताकि उसका वो इलाज कर सके। यह आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन आएगा ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।